हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन यहाँ पे खत्म कर रहे थे ना, ये खत्म कर रहे थे, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताना है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो जो मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ वो क्या है वो अभी मैं बता रहा हूँ। मैं ये ए डैश और ए बार बोला, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। अगर मैं बोला एस मान लो मेरा जो समिष्ट, मेरा प्रतिदर्श समिष्टि है वो है एक दो, पासा का ले लिया मैं तीन चार पाँच और छः, एक पासे में तो यही आता है, एक पासे में यही आया। मान लो ए इवेंट है मान लो एक दो तीन, मान लो ये, और मैं आप लोग को पूछा ए डैश क्या है। तो आप लोग इस मेन सैंपल स्पेस में देखना, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के सब, मतलब आप लोग इसमें देखोगे और इस ए वाला जो है उसको देखोगे। इस एस में से जो जो ए में है उसको हटा दो, ए वाला जो जो है उसको हटा दो, जो बच गया वो ए डैश होगा। तो क्या है देखो, एक है एक को हटा दो, दो है दो को हटा दो, तीन है तीन को हटा दो। ए वाला एलिमेंट हटाने के बाद, इस एस से ए वाला एलिमेंट हटाने के बाद जो बचा वो हमारा ए डैश होगा, जो बचा वो ए डैश होगा। तो ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के, ए के अवयव को छोड़ के सब कुछ। तो देखो ये ए है, ए का अवयव है, ए का अवयव को छोड़ के सब कुछ। ए का अवयव किस में से छोड़ना है, ये एस से, ये एस में ए का अवयव को हटा दो और जो बच गया वो मेरा ए डैश हो गया। तो ए डैश का कंसेप्ट मेरे को क्लियर है। अब ए यूनियन बी, ए या बी, या जब होता है तो यूनियन लेते हैं, तो ए यूनियन बी मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो ए यूनियन बी यहीं पे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मान लो एक डाइस का ही कंसेप्ट में लिया, एक पासा को फेंकने पे एक दो तीन चार पांच और छह आता है। मान लो ए में आया आपका एक दो तीन, और मान लो बी में आपका आया तीन चार पांच छह। तो मैं पूछा ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी होता है ए का पूरा अवयव ले लो और बी का पूरा अवयव ले लो, और जो रिपीटेड है उसको एक बार लिखना। क्या बोला, ए का पूरा अवयव ले लो, बी का पूरा अवयव ले लो और जो रिपीटेड है उसको एक बार लिखना। तो ए का पूरा अवयव ले लेता हूं एक दो तीन, और बी का पूरा अवयव ले लेता हूं, अरे तीन, तीन तो हो चुका है तो तीन को रहन दो, तीन, ये तीन और तीन दो दो बार है ना, उसको एक ही बार लिखेंगे, तीन हो गया रहन दो, ये हो गया, फिर क्या बचा चार पांच और छह। तो जब भी ए यूनियन बी आया, ए या बी, तो क्या करोगे, ए के पूरे अवयव को ले लो और बी के पूरे अवयव को ले लो और जो रिपीटेड है उसको एक बार बस लो। तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। अब सेम क्वेश्चन में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता सेम ये वाले क्वेश्चन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए और बी में कॉमन हो। क्या बोला मैं, ए और बी में कॉमन हो। तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, एक, देखो एक दोनों में क्या ना, दो दोनों में क्या ना, तीन दोनों में क्या, हाँ तीन कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना, जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्ट बी में, ए और बी में, ये ए और बी में। तो आप लोगों को मैं तीन बताया, ए डैश क्या, ए को छोड़ के सब मेन वाले में, ए यूनियन बी क्या, ए को पूरे अवयव ले लो, बी के पूरे अवयव ले लो, जो रिपीटेड है उसको एक बार। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या, ए के अवयव और बी के अवयव दोनों में जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में अवेलेबल रहेगा उसको बस लेना है। अब क्या हुआ, ए माइनस बी, अगर मैं इसी में से ए माइनस बी करूं, मैं इसी में से सेम क्वेश्चन ए माइनस बी करूं, यहां पे ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, आप लोग एक के नीचे एक लिखना। पहले तो एक पेज में आप लोग इसको उतार लिए होंगे, अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको ये होने के अगले नीचे में लिखना, पेज भर गया होगा तो नए पेज में लिखना, मैं तो यहीं पे समझा रहा हूं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए वाला जो अवयव है ना उसमें से बी वाले अवयव को ले लो, भाई ले लो। ए माइनस बी का मतलब ए का अवयव देखना है और उसके अंदर जो बी के अवयव है उसको ले लेना है। तो देखो ये ए का अवयव है, हाँ है, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर होगा जो बी में प्रेजेंट हो उसको ले लो। क्या एक है क्या इसमें प्रेजेंट, नहीं, तो एक लिख दो। क्या दो है क्या, हाँ है।
क्या तीन इस बी में अवयव है क्या? बी का अवयव है क्या? हाँ सर है, तो उसको मत लो। क्या बोला फिर से समझा रहा हूं, सबर। ए माइनस बी में से ए के अवयव में से बी का अवयव को निकाल लो। बी का अवयव क्या था? ये तीन ही था, तो मैं इस तीन को निकाल दिया। देखो बी में एक नहीं है और बी में दो नहीं है, तो उसको रहन दिया। जो ऐसा अवयव जो बी में है और वो ए में भी दिख रहा है उसको बस हटा दो। तो ए माइनस बी का मतलब ए में जो बी का अवयव है उसको हटा दो। अब ये बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी में ए का अवयव को हटा लो, बी में ए का अवयव को हटा लो। तो ये जो बी है इसमें ए के अवयव को हटा लो। देखो क्या है, तीन ही बस ऐसा है जो ए का अवयव दिख रहा है, तो तीन को हटा दो। क्या बचा? चार पाँच छ, चार पाँच छ। तो ये मैं बताया। तो अभी और आप लोगों को समझाऊंगा, और आप लोगों को समझाऊंगा, और आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो है ना, इसको ऐसे बॉक्स में, कभी कभी ऐसे बॉक्स में भी बंद करके आप लोग किसी बुक में देखोगे, ऐसा ये बॉक्स रहता है, आप लोग देखे होगे। उसके बाद दो ठो ऐसे सर्कल बना देगा, ये आप लोग देखे होगे। फिर एक ऐसा बना देगा, ये देखे होगे। उसके बाद ऐसा ऐसा करता होगा, ये आप लोग देखे होगे। आप लोग बताओ ये किसका मैं बना रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन का बना रहा हूँ कि ए यूनियन का बना रहा हूँ? आप लोग मेरे को बताओ ये किसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ए इंटरसेक्ट बी कि ए यूनियन बी? ये ए है और ये बी, ये किसका है, ये किसका है? अरे ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये किसका है? ए यूनियन बी का। तो ये ए यूनियन बी का बनाया मैं। तो ऐसे बॉक्स में भी बना देते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल रहता है भाई, पूरा यूनिवर्सल। तो ये मैं आप लोगों को पूरा ये मैं बताया, ये पूरा बताया, ये पूरा ए डैश, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी और ए माइनस बी, ये आप लोगों को मैं पूरा बताया। तो पूरा ऐसे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा को फेंक देते हैं, एक पासा है, ठीक है? तो एक पासा, तो इसको सॉल्व करके लिखा मैं, इससे सॉल्व करके लिखा। एक पासा है तो सबसे पहला आप लोगों का काम होना चाहिए प्रतिदर्श समिष्टि बनाना। एक पासा का प्रतिदर्श समिष्टि 1 2 3 4 5 6, ठीक है? घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है को ए से और घटना एक विषम संख्या प्राप्त होना को बी से निरूपित किया गया है। क्या बोला? घटना ए को जिसमें अभाज्य संख्या प्राप्त होता है, इसी एस में देखना है आपको, हर चीज इस एस में ही देखना है। अभाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है उसको घटना ए बोला गया। अभाज्य संख्या मतलब जो एक और खुद से भाग जाए। तो यहाँ पे क्या अभाज्य संख्या? 2 3 और 5। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, फैक्टर भी दो होने चाहिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 3 और 5। अभाज्य वो होता है जो एक और खुद से भाग जाए। तो 2 1 और खुद से भाग जाता है, 3 1 और खुद से भाग जाता है, 5 1 और खुद से भाग जाता है, ठीक है? कई लोग बोलेंगे सर एक भी तो है, एक नहीं होता अभाज्य, ये नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे। बी को क्या बोला? एक विषम संख्या को प्राप्त होना। बी बोल रहा है एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से भाग नहीं जाता। तो विषम क्या है? हाँ, 1 विषम है 3 विषम है और 5 विषम है। तो ये हम लोग को कलाकृति दे गई है। तो इसमें बोला है निम्नलिखित घटना इसको निरूपित करने वाले समुच्चय लिखिए। वही समुच्चय मतलब ये करली ब्रैकेट से जो लिखते हैं ना समुच्चय, उसको समुच्चय बोलते हैं, ठीक? तो पहला है ए या बी। पहला जो है, पहला ए या बी, या का मतलब होता है यूनियन। पहला ए या बी, इसका मतलब ये होता है ए और बी। ए और बी, ए और बी का मतलब, और का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक? ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं ना, ए किंतु बी नहीं मतलब ए माइनस बी, ठीक है ये? और ए नहीं, ए नहीं का मतलब ए डैश होता है, ए नहीं, ए नहीं, ए डैश होता है ए नहीं। चलो ए यूनियन बी को मैं लिख रहा हूं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के पूरे अवयव और बी के पूरे अवयव को ले लो और जो डबल है उसको एक बार बस लो। तो देखो 1 2 3 2 2 बार है 5 2 2 बार है, तो 1 2 3 5, यहां पे आएगा 1 2 3 5। ए इंटरसेक्ट बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है उसको लो। कॉमन क्या है? 3 है और 5 है, बस बस हो गया। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के अवयव को हटा दो। ए में देखो जो जो बी के एलिमेंट है उसको मत लिखना।
तो देखो तीन जो है ना ये बी के एलिमेंट में है और पांच भी है, तो ए में से बी को माइनस करना है, तो ए के अवयव में से बी का अवयव हटा दो। बी का अवयव क्या है, एक है क्या, एक तो इसमें नहीं है, तीन है क्या, हाँ इस तीन को हटा दो, पांच है क्या, हाँ पांच को हटा दो, तो क्या बचा, सिर्फ दो बचे, सिर्फ दो बचे। ए नहीं का मतलब होता है ए डैश, और ए डैश का मतलब मेन वाले में देखना प्रति दस समिष्टी में से इसमें से ए के अवयव को हटा दो, ए का अवयव क्या है, दो तीन पांच, तो दो को हटा दो, तीन को हटा दो और पांच को हटा दो, क्या बचा, एक चार छ, ये बचेगा एक चार छ, एक चार छ, एक चार छ। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, खत्म, यही बस पूछा है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये नया कंसेप्ट आया, ठीक, परस्पर अपवर्जी घटनाएं और निःशेष घटनाएं क्या होता है, मैं आपको ध्यान से देख, अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा टॉपिक है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं मतलब कोई कॉमन ना मिले, ए इंटरसेक्ट बी, फाई का मतलब होता है जहां रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्ट बी, ऐसा जहां पे कोई अवयव ना मिले, कोई अवयव ना मिले, कोई अवयव ना मिले, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और निःशेष घटनाएं क्या होता है, जहां ए यूनियन बी करने पर हमको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। अगर मेरे पास तीन घटना है, तीन घटना है, तो मैं ऐसे तीन घटना लिख दूंगा, ए बी सी कर दूंगा, और पूरा का पूरा इसमें मेरे को सैंपल स्पेस मिल जाए। हाँ उदाहरण देके बता रहा ना मैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हाँ एग्जांपल दूंगा ना, मैं एग्जांपल दूंगा, इसीलिए तो यहां पे हूं मैं। अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर मैं बोला ए, ए है मेरा 1 2 3 और बी, बी जो है मेरा 4 और 5, मेरे को बताओ ए इंटरसेक्ट बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक दोनों में है क्या, दो दोनों में है क्या, तीन दोनों में है कि चार दोनों में कि पांच दोनों में, कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो उसको फाई से शो करते हैं या ऐसे करके, ये कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो खाली ऐसे करली ब्रैकेट बना दो, कुछ कॉमन नहीं है तो इसको बोलते हैं। और इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर पूरा का पूरा एस मिल जाए। अगर मैं बोलूं मेरा एस एक पासा का उदाहरण लिया मैं, एक पासे में मेरा सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो घटना ए है 1 2 3 और घटना बी है, घटना बी है मेरा 4 5 6 4 5 6। अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालता हूं, ए यूनियन बी क्या बोलता है, ए के अवयव को ले ले पूरा, बी के अवयव को ले ले पूरा, जो डबल होगा उसको एक बार लिखना, तो ए के अवयव को पूरा लिख लेता हूं 1 2 3, बी का अवयव को लिख लेता हूं 4 5 6 4 5 6। आपको देखकर हैरानी होगी क्या ये पूरा एस के बराबर है, देख लो एस में क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में मैं, इस केस में अगर ये आया, ये अगर आ गया तो ये मेरा होता है, ये मेरा होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, और ऐसा आ गया ये अगर आ गया तो ये क्या होता है, निःशेष घटनाएं। क्लियर है, पूरा एग्जांपल एग्जांपल आप लोगों को तो बेहतरीन तरीके से बता दिया, ये पूरा एग्जांपल वगैरह। अब ये वाला क्वेश्चन में आप लोग को एक लाइन यहां पर ऐड कर लेना, हमको बताना है कि इसमें से परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सा है। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है जिसमें से ए इंटरसेक्ट बी रिक्त समुच्चय मिले, मतलब ए और बी में कोई कॉमन ना मिले। यहां पे मैं दो ही घटनाएं लिया ए बी, यहां पे चार घटनाएं ले ली है ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, यहां पे आप लोग लिख लेना परस्पर अपवर्जी घटनाएं बताएं, ठीक है, ये आप लोग यहां पे लिख लेना। दो पासे फेंके जाते हैं, गजब, दो पासे फेंके जाते हैं, ठीक, और पासों पर प्राप्त संख्या का योग लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। दो पासे फेंके जाते तो सबसे पहले एस बनाना पड़ेगा दो पासों का, जबरदस्त चीज बता रहा हूं, बस आराम से देखते रहना, एक कॉमा एक, और ये ना लिख लेना क्योंकि ये ना कंसेप्ट बता रहा हूं, और जब मैं कंसेप्ट बताता हूं ना तो आप लोग को ना लिखने में ना लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है यार लिखना, मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है लिखना। और देखो मैं क्या तरीके से लिख रहा हूँ,
ये आप लोगों को पहले बता गया है कि ये कैसा आ रहा है, ये पहले भी मैं बता दिया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ। अगर आप लोग शुरू से फॉलो कर रहे हो, शुरू से फॉलो कर रहे हो ना, तो ये आप लोग को ना मालूम है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप लोग को सब मालूम, आप लोग को सब मालूम है। आप लोग बस ऐसा शो कर रहे हो कि आप लोग को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग को सब मालूम है। आप लोग यार आने वाले देश के भविष्य हो यार, IPS IAS बनो, देश का नाम रोशन करो। हैं, ये देखो ध्यान से बस देखते रहना, कोई इधर उधर लापरवाही नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, 4-1, ये 4-2, अच्छा 4-3, मेरे से पहले लिख लोगे क्या, है क्या, चलो स्पीड रेस लगा रहे हो क्या, बोलो रेस लगा रहे हो तो बोलो हाँ, बोलो हाँ, और बोलोगे भी हाँ तो मैं सुन थोड़ा पाऊंगा, सुन थोड़ा पाऊंगा मैं, बोलोगे अगर हाँ तो सुन कैसे पाऊंगा, ठीक है। ये 5.1, ये बताओ 5.2, हाँ ये बता दो 5.3, ये बता दो। सबसे पहले भैया एस लिखना पड़ता है, याद रखना ना, ऐसे क्वेश्चन में एस लिखना पड़ेगा। हाँ मन नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा, अरे मन तो पेपर देने का भी नहीं है ना, लेकिन पेपर तो दोगे ना, ऐसा क्या है, मन तो पेपर देने का रहता है क्या, बोलो मन, मन तो पेपर देने का भी नहीं रहता, हाँ ऐसा थोड़ा है, मन मन क्या है, मन तो बेकारी चीज में लगता है ना, ये तो ऐसे मन का मन 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 क्या चीज है यार, अगर हम लोग अपने मन का सोचे तो फिर तो आज अंबानी बन जाए। हाँ 6.1, ये 6.2, ये 6.3, हाँ ये 6.4 हो गया, ये 6.5, ये 6.6। देखो एक गजब की बात बता रहा हूँ मैं, योग की जब बात आती है ना, योग गुणज उसकी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये देख लिए तो मतलब आप लोग, मतलब आप क्या ही बताऊँ, अपने आप के लिए मतलब आप लोग ताली बजा लेना। ध्यान से देखो, ये मैं खींचा, ये मैं यहाँ से खींचा, क्यों खींच रहा हूँ बता रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से हल्के से खींच लेना ना, पेंसिल से खींचना, आप लोग पेंसिल से खींचना, ये आप लोग पेंसिल से खींचना, नहीं तो पूरा कॉपी में गोदा का दिक्कत डालोगे। तो आप लोग पेंसिल से खींचना, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहे सब, ध्यान से देखते रहो बस, ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ध्यान से बस देखते रहो, है ना, बस ध्यान से बस देखते रहो, हो गया, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट हो गया, बस ध्यान से देखते रहो ये। हाँ भाई मैं क्यों खींचा अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं सस्पेंस खोल रहा हूँ, अब मैं सस्पेंस खोल रहा हूँ। देखो एक और एक पासा को मैं फेंका, तो पहले पासे में एक आया और दूसरे पासे में एक आया, तो इसका जो योग है वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, उसका योग 2 होगा। और देखो पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 1, इसका योग 3 हो जाएगा, पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 2, इसका भी योग 3 हो जाएगा। देखो इसका योग पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 1, 3 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 1 × 3 = 4, तो इसका योग 4 होगा। वैसे देखो इसका योग 5 होगा, वैसे देखो इसका योग 6 होगा, वैसे इसका योग 7 होगा, इसका योग 8 होगा, इसका योग 9 हो जाएगा, इसका योग 10 हो जाएगा, प्यार से देखना 10 हो जाएगा, इसका योग 11 हो जाएगा, अरे 6, 5, 11 होता है, 6, 5, 6, 5, 11 होता है, यहाँ पे 5, 6 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और इतना मिस्टेक चलता है, कोई ऐसा भारी भार का मिस्टेक नहीं हुआ है, ऐसे हल्ला नहीं मचा देना कि मिस्टेक हो गया, और 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6, क्लियर है भाई, 1 2 3 4 5 6, ओके सर, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने बार तो कभी जीवन में मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। तो समझ गया, ये हो गया, अब ये ओवरऑल हो गया, ये योग, दो पासा में ना, दो पासा फेंका उसका योग देखो, पहले में मान लो 3 आया और दूसरे में 1 आया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 यार, इसीलिए तो ये लाइन खींच के बता दिया। अब देखते हैं प्राप्त योग सम है, प्राप्त योग सम है, तो हम लोग को इवेंट बनाना है, प्राप्त योग सम है, तो चलो मैं अब ABCD की ABCD लिख रहा हूँ, प्राप्त योग सम है ना, ये देखो ए कैसे बनाएंगे, प्राप्त योग सम है, सम क्या होता है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है और 12 सम, तो सबको लिख दो, 2 में क्या आया है, 1.1, ओके, 4 वाले में क्या आया है, 3.1, 3.1, 2.2, 2.2, 1.3, 1.3, अभी प्रायिकता में आऊंगा, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं भाई,
ये सब लिखना। फिर छः में आएंगे, छः में क्या है, पाँच कॉमा एक, पाँच कॉमा एक, पाँच कॉमा एक, चार कॉमा दो, चार कॉमा दो, चार कॉमा दो, चार कॉमा दो, तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा तीन है, दो कॉमा चार, दो कॉमा चार, हो जा भाई एक कॉमा पाँच, एक कॉमा पाँच। अभी प्रायिकता में तो मैं घुसा ही नहीं। फिर आठ वाला, आठ वाला लिखो, छः कॉमा दो, छः कॉमा दो, फिर पाँच कॉमा तीन, फिर पाँच कॉमा तीन, फिर चार कॉमा चार, फिर चार कॉमा चार, फिर तीन कॉमा पाँच, तीन कॉमा पाँच, ओके सर, तीन कॉमा पाँच, दो कॉमा छः, दो कॉमा छः, छः वाला हो गया। अब आठ वाला लिखो, आठ वाला तो अभी करें, दस वाला लिखो, छः कॉमा चार, छः कॉमा चार, उसके बाद छः कॉमा चार, पाँच कॉमा पाँच, पाँच कॉमा पाँच, उसके बाद चार कॉमा छः, चार कॉमा छः। अब बारह वाला तो छः कॉमा छः, ये हुआ भाई पूरा ए। अब क्या है, प्राप्त योग तीन का गुणज हो। तीन का गुणज क्या है, जो तीन का मल्टीपल हो, या ऐसे बोल सकते हो कि जो तीन से भाग जाता है ना, वही तीन का गुणज भी होता है, और जो तीन का गुणज है वो तीन से भाग जाएगा ही, और जो तीन से भाग जा रहा है वो तीन का गुणज ही होगा। तो तीन का गुणज क्या है, जो तीन से भाग जाता है, ऐसे सोच सकते हो। तो तीन छः नौ बारह पूरा लिखोगे आप लोग, बी करके पूरा लिखोगे। बी करके आप लोग कहाँ से शुरुआत करोगे, ये तीन वाले से करोगे, टू कॉमा वन से, टू कॉमा वन से, और पूरा ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, बारह भी है भाई तीन का गुणा, छः कॉमा छः तक जाओगे, छः कॉमा छः तक जाओगे। उसके बाद क्या है, प्राप्त योग चार से कम है। चार से कम क्या है, प्राप्त योग तीन और दो है। तो अगर मैं सी की बात करूं तो प्राप्त योग चार से कम है। चार से कम मतलब तीन और दो, तीन का क्या है, दो कॉमा एक, दो कॉमा एक, और एक कॉमा दो, एक कॉमा दो, और ये भी है एक कॉमा एक, एक कॉमा एक। प्राप्त योग 11 से अधिक है, 11 से अधिक तो यार सिर्फ 12 है यार, ये तो डी मतलब ऐसा कर दिया, 6.6। अब हम लोग को इसमें क्या बताना है, परस्पर अपवर्जी बताना है आप लोग को, परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी क्या होता है, रिक्त जिसमें कोई कॉमन ना है, परस्पर अपवर्जी। देखो ए और बी में, देखो ए और बी में तो 6.6 कॉमन है, कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ए और बी परस्पर अपवर्जी नहीं है। ए और सी में देखो, देखो यहाँ पे भी एक कॉमा एक है, यहाँ पे भी एक कॉमा एक है, तो ए और सी कॉमन, मतलब उसमें कॉमन आ रहा है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। ए और डी में देखो, देखो ए में भी 6.6 है, डी में भी 6.6 है, मतलब ए और डी भी परस्पर अपवर्जी नहीं है, ए का काम खल्लास। अब बी और सी में देखते हैं, यहाँ पे भी 2.1 है, 2.1 है, तो बी और सी तो नहीं है। बी और डी में देखेंगे तो यहाँ 6.6 है, यहाँ भी 6.6 है, बी के साथ तो भाई पाला नहीं पड़ रहा है। सी और डी में देखो, हाँ सी और डी में कोई कॉमन नहीं है यार, सी में देखो और डी में देखो कोई कॉमन नहीं है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा आंसर आया कि सी इंटरसेक्ट डी, परस्पर अपवर्जी क्या होता है, फाइ रिक्त समुच मिले, कोई कॉमन मत ना मिले, तो मैं बोल सकता हूँ सी और डी में, सी और डी में कोई कॉमन नहीं है, मतलब फाइ मतलब कि रिक्त समुच, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे में सी और डी परस्पर अपवर्जी हैं। मैं क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोला था, परस्पर अपवर्जी नहीं, ऐसा करके पूछा था क्या, चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन अगर ऐसा है कि निम्न में से परस्पर अपवर्जी बताओ, तो परस्पर अपवर्जी जो है सी और डी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया हूँगा कि निम्न में परस्पर अपवर्जी नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ कि निम्न में से कौन परस्पर अपवर्जी है। अगर मैं शुरू में बोल दिया हूँगा कि परस्पर अपवर्जी नहीं है, उसको कैंसिल कर लो, बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि निम्न में से कौन परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, तो परस्पर अपवर्जी सी और डी बस, सी और डी बस है। तो ये वाला आप लोग का होमवर्क है, इसमें भी आप लोग को परस्पर अपवर्जी कौन है बताना है, ये आप लोग का होमवर्क है, परस्पर अपवर्जी कौन है बताना है, यह आप लोग का होमवर्क। इसमें से भी परस्पर अपवर्जी कौन है आप लोग को बताना है, यह आप लोग का होमवर्क है, पूरा कठिन वाला आप लोग को करा दिया, परस्पर अपवर्जी कौन है आप लोग को बताना है। तो आज की क्लास में खत्म करता हूं, तो ये पूरा मैं बताया यार, क्या बताया मैं, ये पूरा मैं आप लोग को बताया। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं, मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, प्रायिकता के बारे में आप कुछ बात करेंगे, ठीक है, अभी तक तो बेसिक के बारे में बात कर रहा था, ये बेसिक भी जरूरी है, और ठीक है, मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू।